तो गाइस फूड प्रोसेसर एक ऐसा गैजेट है जो कि हमारे किचन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके बिना हमारे किचन में काम करना इम्पॉसिबल है। और डे बाय डे फूड प्रोसेसर काफ़ी अच्छे रेंज में और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो गाइस आज मैं आपके लेकर आ रही हूँ प्रेस्टीज का फूड प्रोसेसर जो कि है 100 वॉट का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है और इसके साथ निकले हैं 6 जार और ये जो है आप देख रहे हैं ये है इसकी मेन यूनिट और जार जो है अलग अलग कैपेसिटी के हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इसकी मोटर से। आप देख सकते हैं अल्ट्रा पावरफुल 100 वॉट मोटर विथ प्योर कॉपर मोटर वाइंडिंग के साथ यहाँ पर दी है। लुक वाइज बहुत ही अमेजिंग है और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये है पल्स मोड 1 2 3 यहाँ पर स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। स्टील और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन से इसका डिजाइन बनाया गया है। तो मोटर के बाद आते हैं अब जार्स पर। तो जार्स यहाँ पर जो 3 जार्स इन्होंने दिए हैं कॉमन जार्स हैं जो कि हर फूड प्रोसेसर और मिक्सर ग्राइंडर में आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ 1500 ml कैपेसिटी का है, स्टील का ये दिया गया, ऊपर से ट्रांसपेरेंट लिड दिया है। क्वालिटी स्टील की काफ़ी सही लग रही है और कैपेसिटी वाइज भी ये काफ़ी सही है। ऊपर से ये लिड दिया है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। और ये है वेट ग्राइंडिंग जार, ये है ड्राई ग्राइंडिंग जार, इसमें आप 100 ml कैपेसिटी के साथ इसको दिया गया है। और ये है एक चटनी जार जो कि है 450 ml कैपेसिटी के साथ। तो तीनों का डिज़ाइन आप देख सकते हैं स्टील में दिया गया है, सब में ब्लेड अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं तीनों ही जार के अंदर आप देख सकते हैं। तो गाइस फूड प्रोसेसर लेने का फायदा ये होता है कि इन जार्स के अलावा आपको और भी सारी काफ़ी सारी अटैचमेंट मिलते हैं जो कि हमारे किचन के काम को बहुत इजी कर देते हैं और काम को करने में मज़ा भी आता है। तो फूड प्रोसेसर के साथ जो मेन अटैचमेंट आता है वो आता है ये वाला पार्ट। तो इसमें आप चॉपिंग कर सकते हैं और आटे को भी गूंथ सकते हैं, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ यहाँ पर इन्होंने दिया है जूसर, तो ये आप देख सकते हैं 1500 ml कैपेसिटी का जूसर है और इसमें ये ऊपर से लिड भी आप ओपन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अपने आप में एक फुल पैकेज होता है फूड प्रोसेसर। एक छोटा सा जार इन्होंने दिया है तो ये मिक्स एंड कीप करके इसका नाम दिया गया है, तो इसमें आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। और इसका एक अलग से लिड भी दिया गया है, तो इसमें आप सपोज आपको स्टोर करके रखना है कोई भी चीज़, चटनी आपने बनाई और स्टोर करके आप इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक और जार यहाँ पर है, तो टोटल 6 जार इस फूड प्रोसेसर में आपको मिलते हैं। तो गाइज इस फूड प्रोसेसर से पहले मैंने अपने चैनल पर उषा का फूड प्रोसेसर की वीडियो भी डाली हुई है जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है, लेकिन वो एक हाई वर्जन मॉडल है, उसका प्राइस भी ज़्यादा है और उसके जो फंक्शन है इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपके लेकर आई हूँ एक मीडियम रेंज पर और जो मोस्टली अटैचमेंट हमें किचन में चाहिए होते हैं उसकी वीडियो। तो ये जो फूड प्रोसेसर है उसमें एकदम फिट बैठता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कुछ सब्जियाँ चॉप करके आटे को बनाकर और जूस निकालकर आपको मैं दिखाती हूँ। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इसको चलाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये है इसकी कोर। तो 1 मीटर के करीब यहाँ पर कोर दी है और 15 एम्पीयर का प्लग है जो कि इजीली किसी भी किचन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सब्जियों को चॉप करके। तो ये जो चॉपर है मैंने इस तरह से इसमें फिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कुछ सब्जियाँ चॉप करके। तो ये है कैरेट, आप देख सकते हैं मैंने कैरेट्स डाल दिए हैं यहाँ पर और कुछ मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर बीन्स। आप इस तरह से प्याज टमाटर भी चॉप कर सकते हैं, जो भी सब्जी आपको चॉप करनी है इजीली कर सकते हैं। अब इसका हम लगा देते हैं लिड, तो ये देखिए लॉक हो चुका है और ये भी हम बंद कर देते हैं। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ, विद इन 10 सेकंड में आपकी जो सब्जी है वो चॉप हो जाएंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं 10 सेकंड भी नहीं लगी है और सब्जी हमारी चॉप हो चुकी है। तो गाइस देखिए अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ ढक्कन को और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली जो सब्जियाँ हैं वो अच्छे से चॉप हो चुकी हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप कोई भी सब्जी है, कैरेट है, बीन्स है, भिंडी है, खीरा है, पत्ता गोभी गोभी, किसी भी तरह की सब्जी इसमें चॉप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें गोभी चॉप करके। तो गाइस जैसे सर्दियाँ आ रही हैं आपको गोभी के पराठे खाने हैं तो इसमें आप चॉप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने गोभी डाल दी है अच्छे से और फाइनली एकदम बढ़िया भरवा गोभी के पराठे आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। इसको कर देते हैं लॉक। गाइस आपने देखा 10 सेकंड भी नहीं लगी है और गोभी अच्छे से चॉप हो चुकी है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितनी इसको बारीक करनी है, अगर आप और बारीक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ऊपर की तरफ, आप देखिए इस तरह की इतनी ये फाइन चॉप हो चुकी है, लेकिन अगर और भी आपको इसे चॉप करनी है तो और भी कर सकते हैं। मैं एक बार और इसको चला देती हूँ।
तो आप देख सकते हैं एकदम फाइन चॉप हो चुकी है ये। अब आप फरवा पराठे गोभी के आराम से सर्दियों में बनाकर इस तरह से खा सकते हैं। तो आपको कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें डालिए, बढ़िया से आपकी जो गोभी है एकदम चॉप हो जाएगी। तो देखिए कितना आसान है फूड प्रोसेसर को यूज़ करना और किचन में काम करना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ऑनियन और टमाटो को भी चॉप करके। तो कोई भी तरह की वेजिटेबल हो, मेरा कहने का मतलब है कि आप इसमें ईजिली चॉप कर सकते हैं। तो दो तीन जितनी मेरे पॉसिबल थी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ चॉप करके। तो देखिए लिड लगा दिया है, अब इसको तो गाइस आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया फाइन जो है चॉप हो चुकी है। तो विद इन 10 सेकंड के अंदर कोई भी सब्जी आप आराम से इसमें चॉप कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा किसी भी तरह की सब्जी को चॉप करना इसमें कितना आसान है। और जैसे कि अभी विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स में पालक मेथी सरसों लोग खाना काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है उनकी कटिंग में। तो फूड प्रोसेसर का यही फायदा है कि आप कोई भी ग्रीन्स हरी सब्जियां जो पत्तेदार होती हैं इसमें आराम से चॉप कर सकते हैं। वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। मेरे पास मेथी पालक अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पर आपको धनिया इसमें चॉप करके दिखाऊंगी और इससे फिर आटा कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज देखिए मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। तो इस तरह से आप मेथी पालक कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। और आप देखेंगे मैंने डंडी सहित इसमें डाला है, साफ भी नहीं किया इसको। और देखिए कितना फाइन चॉप ये करके आपको दिखाएगा, देखिए। गाइस देखिए मैजिक, 10 सेकंड में एकदम फाइनली चॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप कितना भी हाथों के द्वारा इसे फाइन चॉप करेंगे तो इतना नहीं होगा। तो अगर देखिए बिल्कुल फाइनली चॉप हो चुका है, अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा और चॉप करना तो इसको थोड़ा और चला लीजिए, तो ये और चॉप हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए इतना बारीक, तो आप कैसे भी मतलब पॉसिबल नहीं है हाथों से चॉप करना। तो कोई भी हरी सब्जी आप आराम से इसमें चॉप कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने हरी पत्तेदार सब्जियां कितनी आसानी से आप इसके अंदर चॉप कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि ये जो मल्टीपर्पज़ जार है इसका दूसरा फायदा क्या है। एक तो आपने देखा इसमें चॉपिंग सब्जियों की और हरी सब्जियों की और पत्तेदार सब्जियों की आप आराम से इसमें कर सकते हैं। अब ये जो है ब्लेड आप देखेंगे, ये ब्लेड है चॉपिंग के लिए। यहाँ पर इन्होंने एक और ब्लेड दिया है, तो ये आप देखेंगे प्लास्टिक का ब्लेड है और इसका जो यूज़ होता है वो होता है आटा बनाने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें आटा बनाकर। और प्लेन आटा तो आप बना ही सकते हैं, आप जैसे कि पालक का आटा आपको बनाना है, मेथी का बनाना है, तो किसी भी तरह का आटा आप इसमें सकते हैं। तो जैसे मैंने धनिया इसमें पीसा, आप वैसे ही सब्जी को इसमें पहले चॉप कर लीजिए। और अब मैं आपको धनिया का ही पराठा यहाँ पर आटा बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो तो है नहीं मेथी और पालक। तो देखिए धनिया जो मैंने अभी यहाँ पर पीसा था उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। पहले ब्लेड मैंने चेंज कर दिया है, तो अगर आपको आटा बनाना है तो ब्लेड आपको यहाँ पर ये वाला लगाना होगा। तो धनिया मैंने इसमें डाल दिया है और ये है मग, इसके साथ ही आपको मिलेगा। तो जब आप आटा बनाएंगे तो ये आपको फुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटा लिया है, तो इतना ही आटा एक बार में इसमें बनेगा। इसका जो माइनस पॉइंट मुझे लगा बस यही लगा कि ये थोड़ा सा जो यूनिट है थोड़ी छोटी दी है इन्होंने। तो देखिए मैंने आटा जो है पूरा यहाँ पर ले लिया है, इसको हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो आटा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है, क्योंकि उषा का मेरे पास फूड प्रोसेसर है, उसमें मैं बनाती हूँ, तो बहुत ही अमेजिंगली तरीके से आटा बन के इसमें तैयार होता है। तो देखिए आटा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इतना आपको पानी लेना है। तो फुल मग आपको आटा लेना है और इतना पानी लेना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहले मैं इसमें पानी ले लेती हूँ, क्योंकि मेजरमेंट जरूरी है, अगर ज़्यादा पानी गिर गया तो आटा आपका पतला हो जाएगा। देखिए इतना मैंने पानी इसमें ले लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और ऊपर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन लीव डाली है उसमें भी वाटर होता है, तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, एक साथ सारा पानी मत डालिए। और पानी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर थोड़ा सा बच गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें हमने हरा धनिया डाला है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए। आपने देखा मैंने इसको ऑन कर दिया था और धीरे धीरे मैं इसमें पानी डालती रही थी। और अब आप देखिए इसका मैजिक, एकदम कितना बढ़िया आटा जो है इसका बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं टेक्स्चर, देखिए गाइज एकदम फाइन जो है आटा बना है, कोई स्टिक नहीं लग रहा है हाथों में।
तो बहुत ही बढ़िया आटा इसमें जो है बनकर तैयार होता है, तो काफ़ी फायदेमंद है। आप सर्दियों में पालक का, मेथी का, जो भी आपको पराठे खाना है, इस तरह से आटा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट जो इसका अटैचमेंट है, वो है इसका जूसर। तो ये जो है 1500 ml कैपेसिटी के साथ पॉलीकार्बोनेट जो प्लास्टिक है उसमें बना हुआ है। वैसे तो ये डिशवॉशर सेफ नहीं है, तो आपको इसको वैसे ही वॉश करना है। तो इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने एक तो ये कप दिया है, इसमें आप जूस निकाल सकते हैं, और ये एक और इसके अंदर आप दिखाती हूँ मैं आपको, ये है, इससे आपका जो जूस मतलब जो फ्रूट्स का जूस है वो निकलकर आपको छान कर ये आपको देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम जूस निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ऑरेंज का जूस निकालकर। तो सिंपली आपको बस इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, ऑरेंज को तो मौसमी का है या फिर जो और भी फ्रूट्स हैं आप इनके जूस यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 ऑरेंज यहाँ पर लिए हैं। तो लिड यहाँ पर हम लगा देते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं। है और छलने के द्वारा जो इसका जूस है बाहर आया है, और जो उसके सीड्स और जो पल्प है वो अंदर रहेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार खोल के। तो देखिए जूस जो है निकल चुका है। अब मैं आपको इसको छान कर दिखाऊंगी। देखिए गाइस, जूस जो है एकदम फाइनली निकल चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जूस निकल चुका है, और जहाँ तक मैंने इसमें देखा है थोड़ा सा पल्प आया है छानने के बाद भी, लेकिन आप थोड़े से यहाँ पर सीड से देख रहे हैं, तो जो छलनी इसके अंदर दी गई है इतनी इफेक्टिव मुझे नहीं लगी है। तो आप इसको एक बार अलग से छलनी में छान सकते हैं, लेकिन जूस जो है काफ़ी अच्छा निकला है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एप्पल का जूस निकाल कर, तो देखते हैं उसका कैसा रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पर मैंने एप्पल के पीसेस कट करके डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं एप्पल का जूस जो है वो कैसा बन के तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से जो है फुल कर दिया है मैंने। तो चलिए, तो एप्पल का जूस के लिए हमें थोड़ा सा इसमें पुश करना पड़ रहा है, और अभी मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करती हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं एप्पल के पीसेस अभी भी इसमें है, तो एप्पल का जूस इतना इफेक्टिव मुझे नहीं लगा इसमें निकालना। तो सिट्रिक जूस आप इसमें निकाल सकते हैं, मौसमी है जैसे संतरे हैं या फिर और भी जैसे जूस ईजिली निकाल सकते हैं, बट एप्पल का मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा है। तो थोड़ा मैंने पानी भी ऐड किया था, तो देखते हैं। ये देखिए निकला तो है बट इतना ज़्यादा नहीं निकला है, और आप देख सकते हैं अंदर की तरफ थोड़ा सा एप्पल भी इसमें बच चुका है। तो थोड़ा पानी ऐड करके हमें एप्पल का जूस निकालना पड़ेगा। तो गाइज मैंने आपको चॉपिंग करना दिखाया, आटा कैसे बनता है वो दिखाया, जूस कैसे बनता है वो दिखाया है। जूस में बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं उन्हीं का जूस ज़्यादा अच्छा से मुझे लगा। एप्पल का मैंने ट्राई किया बट उतना इफेक्टिव इसका रिजल्ट नहीं आया है। अब बात करते हैं इनके नॉर्मल जार्स की। तो ये जो है जैसे कि आप डेली यूज़ में मिक्सर ग्राइंडर के साथ जार्स है उन्हीं का ये यूज़ है। तो इसमें जैसे कि आप वेट ग्राइंडिंग किसी भी तरह का बैटर बनाना, डोसे का बैटर बनाना, इडली का बैटर बनाना, मूंग दाल जो होती है आप पीसना है, तो आप इसमें आराम से इजिली ग्राइंड कर सकते हैं। कोई भी स्मूथी आप बना सकते हैं इसके अंदर। और ये जो है ये है वेट ग्राइंडिंग, सॉरी ड्राई ग्राइंडिंग के लिए। तो कोई भी मसाला अगर आपको इसमें पीसना है तो आप इस वाले जार का यूज़ कर सकते हैं। और ये है चटनी जार, तो किसी भी तरह की चटनी आपको बनानी है इसके अंदर आप इजीली बना सकते हैं। तो ये जो है इनके नॉर्मल जार जो हर किसी मिक्सर ग्राइंडर और फूड प्रोसेसर के साथ आते हैं वो हैं। तो मैं इनको इसमें बनाकर आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो गाइज डेली में जो हमें बेसिक अटैचमेंट चाहिए होते हैं और जो चॉपिंग और ये सब करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, मोस्टली यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। बस एक स्लाइस पार्ट जो होता है, स्लाइस सब्जियों या फ्रूट्स को स्लाइस में कट करना या फिर उन्हें लच्छेदार बनाना, वो पार्ट इसमें मिसिंग है। बट वो कभी कभी यूज़ होता है, तो आप उसके लिए कद्दूकस भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अपने आप में काफ़ी फुल पैकेज ये फूड प्रोसेसर है। वारंटी की अगर बात करें तो 5 ईयर्स की वारंटी इसकी मोटर की है और 2 ईयर्स की वारंटी इसकी अदर पार्ट्स की यहाँ पर दी है। और अगर बात करें इसके वेट की, तो इसका जो वेट है 2.5 केजी है। तो और सबसे अच्छी बात है कि कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ज़्यादा जगह ये नहीं लेता है। तो डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है और सारे अटैचमेंट काफ़ी यूजफुल हैं, तो अपने आप में एक बढ़िया प्रोडक्ट है। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो वैसे तो जो बॉक्स पे इसका प्राइस दिया गया है वो 10
के दिखा रखा है, लेकिन सेल में आपको ये 6 to 7 की रेंज में मिल जाएगा। प्राइस वेरी करते रहते हैं, तो करंट प्राइस जानने के लिए आप इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये था इस प्रोडक्ट का फुल डेमो, मैंने एक एक चीज आपको इस पर करके दिखाई है कि आपको अंदाजा लग सके कि कैसे ये काम करता है। तो अगर आप अपने किचन के लिए नया फूड प्रोसेसर लेने की सोच रहे हैं और एक आप मीडियम रेंज देख रहे हैं तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, आप इसको खरीद सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी स्मार्ट किचन सीरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके सारे लिंक्स मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाले हैं, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। बहुत ही यूजफुल और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके काम को आसान करते हैं और आपको स्मार्ट बनाते हैं। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल डाइटिशियन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको यहां पर बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको जवाब दूंगी। तो गाइस तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। डोंट कुक हार्ड, कुक स्मार्ट। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।